नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, कॉपी जांच का काम हुआ पूरा। बिहार में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला, जानिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या डिसीजन लिया। बिहार के वार्ड पार्षदों के लिए बहुत बुरी खबर, अब सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, जानिए क्या है नया नियम। अब राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र, 1 अप्रैल से होगा बदलाव। बिहार शौर्य सम्मान का आयोजन, होनहार लोगों को अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन करेगा सम्मानित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, पटना के 20 जिलों में आंधी पानी की संभावना। 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा दाखिल खारिज, 31 से मिल जाएगी म्यूटेशन की चिंता से मुक्ति। कोरोना ने बाजार में होली का रंग किया फीका, बिहार में 50% तक कारोबार मंदा। बाहर से आने वाले यात्रियों की निगरानी करना बना चुनौती, नियमों का पालन नहीं किया तो रंग में भंग डालेगा कोरोना। नियम न मानने वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम पर हाईकोर्ट सख्त, कहा नहीं मिले इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ। अब खबरें विस्तार से। बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब 12वीं का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट की कॉपी जांचने का काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि इसमें लगभग 4 दिनों की देरी हुई है, लेकिन अब कॉपी का जांच का काम पूरा होने के बाद रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार बोर्ड की तरफ से ली गई इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी जांचने का काम 15 मार्च को पूरा होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 17 मार्च किया गया और फिर बाद में 19 मार्च तक तारीख बढ़ाई गई। इंटरमीडिएट रिजल्ट की तारीख का आधिकारिक ऐलान अब बोर्ड जल्द ही कर देगा। बीते सालों में कॉपी जांच खत्म होने के बाद तकरीबन 10 दिनों के अंदर ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया गया था। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाहर से बिहार आने वाले लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी रखे और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी सचेत करे, साथ ही कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी, स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि बिहार में भी अभी वैसी स्थिति नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए, सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, कोरोना की कम से कम 70% आरटीपीसीआर जांच होनी चाहिए, आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए, इससे देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, बिहार के लोग पूरे देश में रहते हैं, होली के दौरान देश के विभिन्न शहरों से लोग बिहार आ रहे हैं। सीएम ने कहा है कि ट्रेन, बस, एरोप्लेन से आने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है, कभी कभी एक ही परिवार के लोग बाहर से आते हैं और उनके संपर्क में आने से कई लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बिहार के वार्ड पार्षदों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल नगर पालिका अधिनियम संशोधन से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस संशोधन से अब सरकारी ठेकों में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की दखलंदाजी खत्म हो जाएगी। यानी कि वार्ड पार्षद अब न तो खुद और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को कोई ठेका दिला सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 53 में संशोधन कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से वार्ड पार्षदों को एक बड़ा झटका लगा है। निकाय प्रतिनिधियों की दखलंदाजी खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने यह कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार के इस फैसले से कोई भी वार्ड पार्षद अब लाखों करोड़ों का ठेका न तो खुद ले सकेंगे और न ही परिवार के किसी सदस्य को दिला सकेंगे। बिहार सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी ठेकों और अन्य आर्थिक लाभ के कार्यों में दखल को रोकने के लिए यह बड़ा निर्णय लिया है। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा में पिछले दिन बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किए जाने से नगर निकायों में लाखों और करोड़ों के ठेकों की बंदरबाट पर नकेल कसी जा सकेगी। बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून में अहम बदलाव किए हैं, जिसके बाद अब बिहार में जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी के माध्यम से बनाया जाएगा। आपको बता दें कि लोक सेवा का अधिकार कानून का उपयोग सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र बनाने में होता है। इसके मद्देनजर इन सेवाओं को ज्यादा आसान बनाते हुए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कवायद करते हुए यह बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी ही जाति और आवासीय या
आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा। 31 मार्च तक अंचलाधिकारी के माध्यम से ही जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। सिर्फ सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों पर होंगे। इन तीनों प्रमाण पत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। तत्काल मामलों में इन प्रमाण पत्रों को 2 दिनों में ही जारी करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इन तीनों प्रमाण पत्रों को बनाने में अगर देरी होती है तो प्रथम अपील SDO के पास कर सकते हैं, जिसका निपटारा 15 दिनों में करना होगा। आज अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बिहार स्वर सम्मान का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार के 38 जिलों के कुल 25 होनहार लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो बिहारियों के लिए शिक्षा, भोजन और बुनियादी रोजगार का अवसर मुहैया कराते हैं। यह कार्यक्रम राजधानी पटना के होटल पनास में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बिहार के 38 जिलों के कुल 25 होनहार लोगों को बिहार स्वर सम्मान सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन हेल्थ, एनर्जी, लर्निंग एंड पेरेंटहुड में पहल करने वालों का एक गैर लाभकारी कल्याण संगठन है। मौसम विभाग ने पटना समेत 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को पटना समेत बिहार के 20 जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की भी संभावना है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्री मानसून सीजन में थंडर स्टॉर्म की स्थिति बनना सामान्य प्रक्रिया है। बारिश के बाद शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट भी देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी बांग्लादेश की ओर से चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की ओर से बने मौसमी सिस्टम की वजह से सूबे में आंधी पानी की यह स्थिति बनने की संभावना है। के बाद बिहार सरकार राज्य के करोड़ों लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। लोगों को जमीन दाखिल खारिज के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय नहीं जाना होगा, आवेदन भी नहीं करना होगा। 31 मार्च से मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार, अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह 31 मार्च को सुमोटो म्यूटेशन की व्यवस्था को लॉन्च करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के IT शाखा NIC पटना और निबंधन विभाग ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारी कर ली है। आम लोगों को म्यूटेशन के लिए रजिस्ट्री कराने के बाद डीड की फोटोकॉपी लगाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं क्रेताओं को दी जाएगी जिन्होंने जमाबंदीदार रैयत से जमीन की खरीद की है। वैसे विक्रेता जिनके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है और उनके नाम से रसीद भी नहीं कटता है, उनसे अगर जमीन की खरीद करते हैं तो पहले की तरह ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज कराना होगा। पिछले वर्ष कोरोना ने लगन, ईद, दशहरा आदि के कारोबार को प्रभावित किया था। एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने से बाजार पर इसका असर दिखने लगा है। खासकर होली को लेकर कारोबारी फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। अधिकतर कारोबारियों ने होलियाना टोपी, मुखौटा, कार्टून कैरेक्टर, पिचकारी आदि का नया स्टॉक नहीं मंगाया है। वे पिछला माल ही खपाने में लगे हैं। ऐसे में बाजार में 50% तक कारोबार मंदा होने का अनुमान है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर विभिन्न प्रदेशों को महानगरों के साथ साथ भागलपुर में भी बढ़ने लगा है। सरकार व प्रशासन की ओर से लोगों को सजग करने का अभियान तेज हो गया है। पूरे देश में गतिविधि तेज हो गई है। इसका असर होली पर दिखने लगा है और होली का रंग फीका होने की संभावना है। बाजार में पिछले वर्ष की तरह रौनक नहीं है। दुकानदार प्रदीप मावंडिया ने बताया कि होली का सामान केवल होली में ही बिकता है। इस बार कोरोना संक्रमण के भय से आयोजनों पर रोक लगाने का निर्देश जारी हो चुका है। ऐसे में यदि होली को लेकर मंगाया गया माल यदि बच गया तो दोहरी क्षति उठानी पड़ेगी। इसीलिए इस बार माल ही नहीं मंगाया गया है, पिछले स्टॉक को बेचेंगे। वहीं विनय डेकानिया, कैलाश मावंडिया आदि ने बताया कि इस बार नई व डिजाइन पिचकारी नहीं मंगाई गई है, पहली जो लाया गया था उसे ही बेचेंगे। त्योहार पर थोड़ा संभल कर रहें, कहीं होली में कोरोना गले न पड़ जाए। जी हां, यह पर्व नज़दीक है और कोरोना वायरस दोबारा असर दिखने लगा है। इसलिए ज़रूरी है कि संक्रमण को लेकर लोग जागरूक रहे, कोई भी ऐसी लापरवाही ना हो जाए जो आपके स्वास्थ्य को मुश्किल में डाल दे। इसी सलाह के साथ
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग होली पर्व को लेकर चिंता में पड़ गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने का कारण हमारी लापरवाही और चूक हो सकती है, इसीलिए आवश्यक है कि जागरूकता का परिचय देते हुए नियमों का पालन किया जाए। त्योहारों में वायरस रंग में भंग न डाल दे, इसके लिए जरूरी है कि सब लोग सावधानी बरते, मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की लापरवाही शहर में खूब देखी जा रही है। बाजारों में भीड़, बगैर मास्क के लोगों को बाहर निकलना, ऐसी तमाम लापरवाही देखने को मिल रही है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य अस्पतालों को बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराने के मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 6 सप्ताह में तलब की है। चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वेट्रम फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों व नर्सिंग होम को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट की अधिवक्ता रितिका रानी ने बताया कि एक्ट के तहत सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम का निबंधन कराया जाना है, लेकिन अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम द्वारा अब तक रजिस्ट्रेशन कराने की रफ्तार काफ़ी धीमी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।